हम पहलगाम की उन हरी भरी वादियों में पहुंच गए हैं जहां से अमरनाथ गुफा की यात्रा प्रारंभ होती है। हम यहां पर आकर के रुके हुए हैं। अब शाम का टाइम हो गया है, यहां पर रास हो रहा है। बाहर से आए हुए बंधु यहां पर डांस कर रहे हैं। ये लंगर है, यहां पर हम सभी ने खाना खाया और यहीं एक पास में मंदिर है जिस पर हमने रात को विश्राम किया है। अब सुबह के लिए हम यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए किसी वाहन के द्वारा निकलना पड़ेगा हमें, या तो बस करनी पड़ेगी या टवेरा वगैरह के द्वारा यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब हम आनंद ले रहे हैं यहाँ पर, ये भंडारे में डीजे साउंड लगे हुए हैं और इन पर बाहर से आए हुए सभी भक्तजन आनंद ले रहे हैं। यहाँ देखो ये भंडारा है, यहाँ पर हमने सभी ने भोजन किया और उसके बाद हम थोड़ी देर इस रास का आनंद लेंगे और उसके बाद हम यहाँ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। यहाँ पर सभी तरीके की व्यवस्था की गई है भंडारा वालों द्वारा, मंदिर वालों द्वारा। तो दोस्तों सुबह का समय हो गया है और हम चंद्रवाड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ पर चंद्रवाड़ी में बहुत सारे भंडारे हैं, यहाँ पर बेस कैंप बनाया गया है। यहाँ पर पहले हमारी चेकिंग हुई है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चाय नाश्ता कराएंगे और फिर पेशेंट को अपनी रवाना हो जाएंगे यहाँ से। देखो ये हमारी टीम है, हम यहाँ से इशू टॉप के लिए थोड़ी बहुत देर में रवाना होंगे। सुबह का टाइम है, बड़े नज़ारे हैं, आनंद है यहाँ पर, सबको शांति ही शांति है। अब हम इशू टॉप पहुँच गए हैं। अब यहाँ से इशू टॉप का पहाड़ है, ये बहुत कड़ी चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई है बहुत। ये बर्फ़ पर चलना पड़ रहा है हमको, यहाँ से कई किलोमीटर बर्फ़ पर चलना पड़ेगा। उसके बाद हम इस कड़ी चढ़ाई में टिशू टॉप को ऊपर जाकर के पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अभी हम रास्ते में हैं, देखो बर्फ़ के नीचे से पानी बह रहा है। पिशू टॉप जाना जाता है, बहुत कठिन चढ़ाइयों में से एक चढ़ाई ऐसी है पिशू टॉप की, इस पर बहुत ही कड़ी चढ़ाई है, इसको चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम पिशू टॉप पर पहुंच गए हैं और यहां पर भंडारा है, इस भंडारे में हम चाय पानी पिएंगे। सुबह का टाइम है, ये सेवा मंडल समिति द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं जो श्रद्धालुओं के बाबा बर्फानी के भक्त यहाँ पर चाय पानी पीते हैं और सेवा समिति मंडल के सदस्य बड़ी श्रद्धा भाव से भक्तों को चाय पानी पिलाते हैं, बड़े आदर भाव से उनकी सेवा करते हैं। कितना आनंद है, यहाँ पर बर्फ की चादर के नीचे पानी बह रहा है। मैं ही हूँ जो पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि हम पहुँच गए हैं एक झरने के पास, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छोटी छोटी बूंदें फुहारे की बड़ी आनंद दे रही हैं। इस हरे भरे झरने के बीच हमने थोड़ा शांति से 2-1 मिनट गुजारे और उसके बाद हम चल दिए आगे की चढ़ाई के लिए। हमें
थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम शेषनाग पहुंच गए हैं। शेषनाग एक यहाँ पर पहाड़ है और इस जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है उसको शेषनाग झील के नाम से पुकारा जाता है। शेषनाग से अभी हमें गणेश टॉप के लिए रवाना होना है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूरी पर गणेश टॉप है, जो भी बहुत कठिन चढ़ाई है। शेषनाग के बारे में बताया जाता है, एक बार क्या हुआ था कि जब यहाँ इस ऊंचे पहाड़ पर एक खूंखार राक्षस रहता था और उस खूंखार राक्षस से देवता लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो वो भोलेनाथ के पास पहुँचे, तो भोलेनाथ से उसके तो उन्होंने भोलेनाथ से राक्षस के बारे में बताया। तो भोलेनाथ ने देवताओं से बोला कि मैंने उसे लंबी आयु का वरदान दे दिया है, इसलिए आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वो ही आपको कोई रास्ता बताएंगे। तो यहाँ से देवता चलते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। भगवान विष्णु के पास जब पहुँचे, उन्होंने राक्षस के बारे में बताया, तो देवताओं को उन्होंने बोला कि चलो, राक्षस का अंत हो जाएगा और आप आराम से जा करके, शांति से वहाँ जा करके अपने निवास स्थान पर चले जाओ। तो वहाँ से देवता लोग वापस आ जाते हैं और भगवान विष्णु ने अपने शेषनाग को बुलाया। तो शेषनाग से बोला भगवान विष्णु ने कि आप जाइए, कोई खूंखार राक्षस वहाँ देवताओं को परेशान कर रहा है। तो आज्ञा पा करके शेषनाग वहाँ से आते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उन्होंने उस खूंखार राक्षस का अंत कर दिया था। जब ही से उस पहाड़ को ही शेषनाग बोला जाता है। अब हम इन्हीं बातों को करते करते गणेश टॉप पहुँच गए हैं। गणेश टॉप पर इतनी आनंद शांति भरी जगह है, यहाँ पर अनेक तरह की अच्छे अच्छे आनंद मनमोहक हरे भरे पहाड़ों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद चादर बर्फ की बिछी हुई है और इन हरी भरी चादरों से मन को बहुत शांति प्रतीत होती है। यहाँ पर इन कठिन रास्तों को पार करने के लिए भक्तजन बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया था, इतना इतनी यहाँ पर शांति है। गणेश टॉप को पार करते ही हमें पंचतरणी के लिए रवाना होना है।
यहाँ से पंचतरणी की दूरी 6 किलोमीटर है। हम धीरे धीरे इस गणेश टॉप की पढ़ाई कठिन चढ़ाई को पार करके बर्फ पर चढ़ करके पंचतरणी पहुँचेंगे। दोस्तों अब हम पोषपत्री पहुंच गए हैं। अब पोषपत्री में हम
थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, फिर यहाँ से चंद्रबाड़ी के लिए रवाना होंगे। कोसपत्री में श्री शिव सेवक दिल्ली समिति द्वारा भंडारा आयोजित किया जाता है, जो विश्व में प्रसिद्ध भंडारा है। यहाँ पर बताते हैं साउथ नॉर्थ सब तरह का भोजन उपलब्ध रहता है। चलो आइए तो आज इस भंडारे में देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। जब भगवान भोले शंकर यहाँ पर तांडव नृत्य कर रहे थे तो नाचते नाचते उनकी जटा खुल गई और उसमें से गंगा की 5 धाराएं निकलने लगी। और वही गंगा की ये 5ों धारा यहाँ मिलकर के गंगा की इन 5 धाराओं को यहाँ पंचतरणी गंगा नाम दिया गया, पंचतरणी गंगा नाम दिया गया। जब कोई शाम को लेट हो जाता है तो यहाँ पर बेस कैंप बने हुए हैं, जहाँ से जहाँ पर आकर के शाम को ये रुक भी जाते हैं।
पंचतरणी भी एक आनंद मोह जगह है, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं पहाड़ों के बीच में। इस मनमोहक गंगा का दृश्य अजीब है। यहाँ से अब संगम जहाँ पर अमरावती बहती है वहाँ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ से अब हम गुफा के लिए रवाना होते हैं। यहाँ से ही लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर के गुफा की दूरी भी तय किया करते हैं। ये यहाँ पर बेस कैंप बने हुए हैं, लोग इनमें लोगों के ठहरने के लिए इन बेस कैंपों में जगह बनाई गई है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। कहीं पर हरे भरे भरे पहाड़ तो कहीं पर बर्फ से ढके हुए पहाड़, और अमृत की धारा बह रही है। आज हमें भगवान भोले शंकर की कृपा से उनके दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पर ये कबूतर बताए जाते हैं, उनके दर्शन होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है और उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से वापस हो चुके हैं, अब हम वापस रवाना हो गए हैं और हम यहाँ से बाल्टर होकर के अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। जय हो बम बम भोले। Thank you.